हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 3ds मैक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो आपके फ्लोर के पैटर्न्स होते हैं उसको आप किस तरीके से बना सकते हो। अभी तक तो हम क्या करते थे कि आप कोई भी टेक्सचर यूज करते थे तो उसके ऊपर बम्प यूज करके हम उसको टेक्सचर को दिखाने की ट्राई करते थे। अगर आपको डिफरेंटली बनाने हैं, टाइल्स बनानी है, वुडन फ्लोरिंग बनानी है, तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इस तरीके के अगर आपको वुडन पैटर्न बनाने हैं तो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। एक तो होता है कि आप इसको मैन्युअली क्रिएट करो, बट हमारे पास एक मॉडिफायर है 3ds मैक्स में जिसका नाम है फ्लोर जनरेटर। आप उसकी हेल्प से भी इसको बना सकते हैं। इस टाइप के फ्लोर जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब टाइप के जो पैटर्न है इनको हम बना सकते हैं। अगर आपको वॉल के ऊपर के इस तरीके के पैटर्न चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हो, फ्लोर पैटर्न्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मॉडिफायर को हम इंस्टॉल कैसे करें। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं होगा, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और यहां पे लिख दो फ्लोर जनरेटर फॉर 3ds मैक्स फ्री डाउनलोड। ठीक है, अब आपके पास वर्जन कोई भी हो तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है 2023 और 2013 टू 22 एंड 2013 टू 23, जो भी आपके पास वर्जन हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, आपको इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये यहाँ पे डाउनलोड का आपको लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करो। और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है, वो इंस्टॉलिंग कैसा कोई प्रोसेस नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये आपके यहाँ पे डाउनलोड होगा उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपके पास इस तरीके की फाइल्स आएंगी जिसमें आपको 23, 14, 15, 16 यहाँ पे आपको इतने सारे वर्जन मिलेंगे। आपका पास जो भी वर्जन है, मान लो मेरे पास 23 वर्जन है, आपको सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करके आपको जाना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाके जो आपके पास 3ds मैक्स है उस पर राइट क्लिक करके आपको जाना है फाइल लोकेशन पे, ओपन फाइल लोकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्लगइन्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे प्लगइन्स मिलेगा, इस पे क्लिक करो और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो डेट सीट। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी पेस्ट है और यही चीज आपको वो बताएगा वहां पे करने के लिए। अगर आप उसे यहाँ पे देखते हो इसके सेटअप में जाके, तो ये आपके पास यहाँ पे एक रीडमी का ऑप्शन बताएगा और यहाँ पे आपको ये बताएगा कि किस तरीके से कहाँ पे आपको ये पेस्ट करना है। तो ये आप इसे पढ़े और डायरेक्टली वहां पे पेस्ट करो, ज्यादा कुछ करने की इसमें नीड नहीं है। पेस्ट करने के बाद 3ds मैक्स को तब ओपन करना है, उससे पहले 3ds मैक्स को ओपन नहीं करना। अब 3ds मैक्स को ओपन करेंगे हम यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस प्लेन को मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेता हूं, तो मैं मॉडिफायर में जाके इसको सेगमेंट तो इसको 1-1 कर देता हूं और इसकी लेंथ है उसको हम 10 फीट बाई 10 फीट का कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि इसको किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 10 फीट बाई 10 फीट का एक प्लेन ले दिया और अब फ्लोर जनरेटर की हेल्प से हम इस पे फ्लोर को जनरेट करेंगे। तो उसको करने के लिए मॉडिफायर लिस्ट पे जाओ, एफ प्रेस करो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्लोर जनरेटर। क्लिक करो फ्लोर जनरेटर पे। अब यहाँ पे कुछ आपको चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ अपने व्यू पॉट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक साइड परस्पेक्टिव व्यू रखता हूं ऐसे और एक साइड में टॉप व्यू रखता हूं ताकि आपको टॉप व्यू से सारी चीजें समझ में आती रहे और परस्पेक्टिव पे भी आपको दिखती रहे सारी चीजें। अब जब आप फ्लोर जनरेटर क्रिएट करते हो तो यहाँ पे देखो फ्लोर पैटर्न आएंगे, 5 टाइप के पैटर्न है। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे स्टैंडर्ड पैटर्न, क्लिक करो। प्रॉपर्टी सबकी सेम रहेगी, आप इसको अपने तरीके चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे शेप्स अलग अलग हो जाएंगी। कैसे कैसे होंगी वो मैं आपको थोड़ा प्रॉपर्टी को समझा के मैं वो आपको समझाने की ट्राई करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम लेंथ, ये लेंथ होगी आपकी टाइल की। मान लो आप एक टाइल, ये 10 फीट बाई 10 फीट का आपका फ्लोर है और आप 2 फीट बाई 2 फीट की एक टाइल लगाना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे आप कर दो 2 फीट। तो आप देखो जो आपकी मैक्सिमम लेंथ है वो 2 फीट हो गई और मैक्सिमम विड्थ मान लो मैंने 2 फीट कर दी, तो अभी आपके टॉप में भी देख सकते हो, प्रस्पेक्टिव में भी देख सकते हो, 2 फीट बाई 2 फीट की आपकी यहाँ पे टाइल्स बन गई जिन पे यहाँ पे बेविल लगा हुआ है, बीच में यहाँ पे गैप है,
बेविल कितना रखना है, गैप कितना रखना है, ये सारी प्रॉपर्टी आगे आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। मान लो आपको लंबी लंबी स्ट्रिप्स लगानी है, तो मान लो मैंने विड्थ को कर दिया कम, आप इस तरीके से स्ट्रिप लगा सकते हो, ऐसे आपका पैटर्न बन जाएगा, आपका ब्रिक टाइप का पैटर्न अगर आप बनाना चाहते हो, 2 फीट बाई 2 फीट की रखना चाहते हो वो रख सकते हो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो मैक्सिमम लेंथ 2, इसको लेंथ को अनचेक करके और मिनिमम लेंथ आप मान लो 1 फीट कर दोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे एक रेंडमली पोजिशन आ रही है कि कहीं पे 2 फीट और कहीं पे 1 फीट और उसके बीच में वेरिएशन आ रही है, और इसको आप स्प्रेड कर सकते हो अपने तरीके की कि कितना मेरे को कहाँ पे रखना है। यही चीज आप यहाँ पे टॉप पे देख पा रहे हो, यही चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करते हो तो दोनों वैल्यू आपकी सेम चलेगी, जितना आपकी मैक्सिमम लेंथ होगी उतनी ही आपकी मिनिमम लेंथ होगी, वही सारी प्रॉपर्टी आपकी मैक्सिमम मिनिमम जहां पे भी एल है वो सारी चीजें गिवन है, हिट एंड ट्रायल है, करते जाओ चेंज आपको दिखता चला जाएगा, ठीक है। विड्थ कितनी रखनी है वो कर सकते हो, इवन आप लेंथ को कम करोगे तो इस तरीके से स्ट्रिप्स बन जाएंगी आपकी। तो मान लो मैं इसको 2 फीट ही रखता हूँ, इसको भी मैं 2 फीट रखता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल टाइल्स है मेरी। उसके बाद है ग्राउट लाइन। ग्राउट क्या होता है, ये वाला जो बीच में ग्राउंडिंग होती है ना, जो आपने सुना होगा जब घर पे फ्लोर लगता है तो बीच में ग्राउटिंग करते हैं, तो ये वाला स्पेस। अब अगर आप जूम कर रहे हो और एकदम से गायब हो जा रहा है, तो आप यहां से जूम इन जूम आउट करो ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट उसको जूम आउट कर पाओ। तो यहां पे आप देखो इसे, ये वाला स्पेस अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, आप टॉप व्यू में देख सकते हो, इसको अगर जितना इंक्रीज करोगे वो उतना इंक्रीज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। कम करोगे वो स्पेस कम हो जाएगा। ये ऑफसेट है कि आपको कहाँ पे ये पोजिशनिंग करनी है, वो पोजिशन कर सकते हो कि दीवार से आपको कितनी दूर पे रखना है। ऑफसेट को 0 किया, ग्राउंड लाइन को अगर आप कम करते हो तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा और इक्वल आपके देखो आपके टाइल्स आ गए। जैसे ही मैं ऑफसेट बढ़ाता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे तो वो वेरिएशन आती है जैसे आपका घरों के अंदर होता है, ठीक है। वरना आप इसको हटा के बिल्कुल इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 2 चीजों की, वो है एक्सट्रूड एंड बेविल, ठीक है। एक्सट्रूड क्या होता है कि टाइल्स आपकी कितनी एक्सट्रूडेड है, जो ये थिकनेस आपको नजर आ रही है, हमने तो एक नॉर्मल प्लेन बनाया था ना, अब ये एक्सट्रूडेड नजर आ रहा है आपको। अगर आप एक्सट्रूडेड को अनचेक कर दोगे तो प्लेन नजर आएगा, और बेविल होता है जो ये स्लोप आ रहा है, इसको भी अनचेक कर दोगे तो प्लेन नजर आएगा। सिंपल, हमें इस तरीके से पैटर्न नजर आएगा। दोनों मैंने ऑन किया, एक्सट्रूजन कितना रखना है वो आप चूज कर सकते हो, कितनी हाइट की मेरे को टाइल्स रखनी है। बेविल कितना रखना है वो चूज कर सकते हो कि कितना मेरे को बेविल रखना है, तो आप देखोगे ये बेविल प्रोफाइल आ गया आपका इस तरीके से। अगर बेविल इतना ही रखना है बट आउटलाइन चेंज करनी है तो एल को क्लिक करो और आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हो, कम कर सकते हो। हाइट नहीं बढ़ रही है, वो आउटलाइन चेंज कर रहा है बेसिकली, वरना आप इस पर क्लिक करके बेविल को इस तरीके से यूज कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद अगर आप देखोगे ये चीजें कहाँ पे काम आती है, अगर मैं यहाँ पे आपको फ्लोर टाइल्स दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं फ्लोर टाइल्स, जो आपकी टाइल्स होती है तो होती है ग्राउटिंग करना, जो ग्राउट का ऑप्शन है, और जो आपकी नॉर्मल जैसे टाइल्स होती है, देखो ये वाले पैटर्न्स आपके बन जाएंगे, हर एक टाइप के आपके पैटर्न्स वहां पे बनने वाले हैं। वो आपको डिपेंड करता है कि आप इसके बीच में स्पेसिंग देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते। जैसे अगर आपका एक्सटीरियर फ्लोरिंग होती है, तो आप देखोगे जैसे घर के बाहर की ये वाली फ्लोरिंग होती है जिसमें गैप दिखते हैं, इस टाइप की आप कर सकते हो, ये बना सकते हो, आप इस टाइप का क्रिएट कर सकते हो कि बीच में यहाँ पे फ्लोर आए और बीच में ग्रास आप दिखाना चाहते हो, वो गैप के अंदर आप दूसरा प्लेन लगा के उसके अंदर ग्रास का आप टेक्सचर वहां पे दिखा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें कर सकते हो। और क्या क्या चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है आप सेकंड नंबर पे वेरिएशन पर बोर्ड। ये तो हो गई प्रॉपर्टी पर बोर्ड की, बोर्ड साइज, एक बोर्ड का साइज कितना, उसका डिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा पैटर्न बन गया। ये हो गया वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, ऑफसेट कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा। वो अगर आप रोटेशन में वेरिएशन देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पे रोटेशन नहीं है, मैं यहाँ पे हल्का सा ग्राउट और यहां से मान लो मैंने जो भी यहाँ पे किया, अब वेरिएशन में क्या होता है, मान लो मैं ऑफसेट यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम रोटेशन देता हूँ तो दूसरे उसमें पता चलेगा कि ये थोड़ा हल्का सा रोटेट करेगा बेसिकली। ऑफसेट दूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे टॉप में, ध्यान से देखो, अगर मैं ऑफसेट के अंदर वेरिएशन दूंगा तो किसी का ऑफसेट कम होगा, किसी का ऑफसेट ज्यादा होगा। ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, मैक्सिमम को कम कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, अगर आप ऑफसेट यहाँ पे देते हो स्प्रेडिंग कर सकते हो कि कहाँ पे ये चीज स्प्रेड हो आपका। यहाँ पे रोटेशन दूसरी वाली टाइल्स में आएगा, जो रोटेट वाली टाइल्स रहेंगी आपकी।
उसके बाद टिल्ट कितना करना, अगर आप टिल्ट करते हो यहाँ पे तो आप देखो कोई आपकी टाइल्स ऊपर कोई नीचे, इस तरीके का अगर आपको दीवार के ऊपर डिजाइन बनाना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम टाइल्स कितना, टिल्ट कितना चाहिए, स्प्रेड कर सकते हो कि कितना स्प्रेड आपको यहाँ पे चाहिए। इसको मैं यहाँ पे जीरो करता हूँ, इनको भी जीरो करता हूँ, सारी चीजों को यहाँ पे अभी जीरो करते हैं, और जो इसका साइज है वो मैं इसका 2x2 का रख लेता हूँ। ठीक है, नीचे चलते हैं, उसके बाद जनरल पैरामीटर है कि स्केल कितना रखना है, आप इसका स्केल इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, तो टाइल्स आपकी इस तरीके से आ जाएगी। इसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, किस डायरेक्शन में आपको चाहिए, इस तरीके से आप इसकी डायरेक्शन को यूज कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में चाहिए, यही चीज आप टॉप व्यू में देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने जीरो किया। अब जैसे ही आप इसको जीरो करोगे तो एक्चुअली स्केल की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, तो हम इसे हमेशा 100 करते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल कम करोगे तो सिस्टम आपका बंद हो जाएगा, या बढ़ाओगे तो आपका सिस्टम बंद हो सकता है। ठीक है, सीड्स क्या होता है कि किस पैटर्न पे आपको ये रखना है, अगर आप यहाँ पे स्केलिंग वगैरह कुछ करते हो, डायरेक्शन देते हो, तो सीड्स उसके पैटर्न को डिफाइन करता है, अभी आपको इसकी नीड नहीं है। उसके बाद ऑफसेट, ये ऑफसेट किस ऑफसेट में आपको रखना है, ऑफसेट वाई ये ऑफसेट दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, वरना हम यहाँ पे जीरो करते हैं। उसके बाद यहां से ये ऑफसेट भी हम जीरो करते हैं ताकि वो आपका आ जाए यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट भी यहाँ पे जीरो। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, अगर आप वेल्ड करते हो, देखो यहाँ पे ये वाला जो बीच का गैप है, अगर आप इसे गैप नहीं दोगे, मान लो आप यहाँ पे जाके, जो मैंने ग्राउट को जीरो किया, मैं यहाँ पे ग्राउट को बढ़ाता हूँ, अगर आप इसे वेल्ड कर दोगे थ्रेशोल्ड और इसको बढ़ाओगे तो ये इसको वेल्ड कर देगा बेसिकली, जो ये पार्ट है, और अगर आप इसको ग्राउट नहीं देते हो यहाँ से तो वो उसको वेल्ड कर देगा, तो वो देखो जो आपका बेविल है वो भी नजर नहीं आएगा। अगर आप इसे वेल्ड को हटा देते हो तो आपको ये इस तरीके से बेविल नजर आएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद वार्निंग, भाई मैक्सिमम बोर्ड, अगर मान लो आप बहुत सारे बोर्ड को बढ़ा रहे हो और आपका सिस्टम स्लो भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि बोर्ड कितने बोर्ड हो जाएं उसके बाद वो आपको वार्निंग दे, तो यहाँ पे है कि 10,000 बोर्ड के बाद वार्निंग दे दे, वरना आप इसे अपने तरीके कम या ज्यादा भी कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे चेंज करो, वो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, वो हो रहा है अपडेट की वजह से, वो ऑलवेज है, मैनुअली करोगे तो बार बार अपडेट पे क्लिक करोगे तो जाके वो आपका अपडेट करेगा। उसके बाद है यहाँ पे सेव और लोड पैरामीटर। आप इस, मान लो आपने ये कोई पैरामीटर लगाया यहाँ पे और आप इसे इस प्रीसेट को सेव कर देना चाहते हो ताकि आप फ्यूचर में यूज कर पाओ, आपको बार बार ये ना करना पड़े वैल्यूज चेंज, तो आप इसे सेव कर दो बाहर, ये .inI के नाम से सेव हो जाएगा, और सेव करने के बाद जब आप लोड करोगे तो उस फाइल को वहां पे लोड कर सकते हो ताकि ये सेटिंग आपकी दोबारा से एज इट इज आ जाए। तो ये तो थे पैरामीटर इसके। अब है इसके डिजाइन क्या क्या है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड। सेकेंड आपका हैरिंग बोन, अगर आप ऐसे करते हो तो इस तरीके से आपका पैटर्न आएगा। ये प्रॉपर्टी सारी सेम है, वेरिएशंस वगैरह, वो वेरिएशन देना, स्केल करना, इन प्रॉपर्टी से आपको चेंजेस नजर आएंगे कि आपको लेंथ कितनी रखनी है। जैसे आप लेंथ को चेंज करते हो और विड्थ को चेंज करते हो तो वो पैटर्न चेंज हो रहे हैं। अब किसी भी टाइप का आप पैटर्न बना सकते हो, लेंथ वगैरह इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, सेम लेंथ रख सकते हो, वो पैटर्न आपके यहाँ पे बन जाएंगे। ग्राउंडिंग, जो आपका ग्राउटिंग है, ग्राउट का साइज कितना चाहिए, बीच का स्पेस, उसके बाद है पैरेलल बोर्ड कितने चाहिए, वो पैरेलल बोर्ड उसके बीच में पैरेलल बोर्ड लगा देगा। इसकी हेल्प से क्या होगा कि आपका सिंगल सिंगल करना है, सिंगल सिंगल, डबल डबल, ट्रिपल करना है, वो पैरेलल बोर्ड की हेल्प से आप कर सकते हो। सेम वही है एक्सट्रूडर बेवल। नेक्स्ट है आपका चेवरॉन। चेवरॉन में क्या है कि आप अपनी लेंथ को अगर कम करोगे यहाँ पे देखोगे तो ये लेंथ कितनी रखनी है वो वाली आपकी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, विड्थ कितनी रखनी है वो आप चूज कर सकते हो, तो इस टाइप का आपका पैटर्न बनेगा। आप एंगल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, जो आपको ये एंगल रखना है, यहाँ वाला जो ये वाला एंगल है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, इसके बीच में ग्राउंड का स्पेसिंग देनी है, स्पेसिंग लगा सकते हो, और इसको आप किसी भी वॉल के ऊपर भी बड़ा अच्छे से लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका बास्केट वेव्स। बास्केट वेव में क्या है कि अगर मैं लेंथ को यहाँ पे कम करता हूँ तो इस तरीके से पैटर्न बनते हैं, जैसे आपके बाहर की फ्लोरिंग के पैटर्न होते हैं। ग्राउंड साइज कितना रखना है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और जो आपके सब बोर्ड्स, अभी थ्री है, देखो थ्री थ्री सब बोर्ड्स है, अगर आप टू करोगे टू टू सब बोर्ड्स होंगे, थ्री फोर फाइव, जितने भी आपको सब बोर्ड चाहिए उतने आप सब बोर्ड्स यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके बाद है हेक्सागनल। अगर आप हेक्सागनल लेते हो, जैसे आपके दीवार पे हेक्सागनल पैटर्न होता है,
आप वो क्रिएट कर सकते हो, उसका रेडियस आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो कि ये मेरे को रेडियस चाहिए, तो आप देखोगे हेक्सागोनल एक पैटर्न आपका बन जाता है। ग्राउटिंग कितनी रनी है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और ये सारी चीजें हैं फिर रेंडमली जो आपको वेरिएशन देनी है वो आप कर सकते हो बड़ा इजिली। तो बहुत इजी तरीके से आप फ्लोर पैटर्न लगा सकते हो, वॉल पैटर्न लगा सकते हो, और आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगी पर्टिकुलर कि किस किस डिजाइन को आप किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी है, और जो आपको किस टाइप का पैटर्न चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मेरे सोशल मीडिया पे थोड़ा फॉलो कर लेंगे तो वहां पे आपको जो भी अपडेट है वो आपको मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम हैंडल या टेलीग्राम अगर आपको मटेरियल चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हो, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहां पे जाके आप उसे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।